प्रियंका गांधी वाड्रा की भारतीय राजनीति में हाल ही में प्रत्यक्ष एंट्री हो गई। खबरें और सुर्खियां तो जैसे उनका लगातार पीछा करती रहती हैं। कई लोग प्रियंका गांधी वाड्रा में इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। हम आपको प्रियंका गांधी के बारे में वो 10 बातें बताने जा रहे हैं जो आपको उनके बारे में नहीं मालूम होंगी। प्रियंका गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 16 साल की उम्र में दिया था। खबरों की माने तो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका धार्मिक नगरी बनारस से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन मोदी के खिलाफ खड़े होने के जोखिम से उन्हें बचने की सलाह दी गई। प्रियंका दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ी है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मैरी स्कूल से साइकोलॉजी की डिग्री हासिल की। प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से 13 साल की उम्र में मिली थी। प्रियंका ने ही रॉबर्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। प्रियंका पहले काफी गुस्सैल स्वभाव की थी, लेकिन अब उनके व्यवहार की सौम्यता सबको आकर्षित करती है। इसकी वजह प्रियंका का रोज नियम से 1 घंटे योग करना है। अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका ने अपनी पढ़ाई घर से ही जारी रखी। इसके बाद उनकी सामाजिक जिंदगी बहुत सिमट गई। उन्हें 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों के साए में रहना पड़ता था। प्रियंका और रॉबर्ट शादी से पहले 6 साल तक एक साथ थे। इसके बाद उन्होंने परिवार को अपने रिश्ते के बारे में बताया। गांधी परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, लेकिन दादी इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका भी अपने प्यार के लिए अड़ गई। आखिरकार परिवार को हामी भरनी पड़ी। प्रियंका और रॉबर्ट की शादी काफी लो प्रोफाइल रखी गई। शादी में महज 150 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया। इन मेहमानों में बच्चन परिवार भी शामिल था। प्रियंका की तुलना अक्सर उनकी दादी इंदिरा गांधी से होती है। प्रियंका का हेयर स्टाइल, कपड़ों के चयन और बात करने के सलीके में इंदिरा गांधी की छाप साफ नजर आती है। प्रियंका को फोटोग्राफी, कुकिंग और पढ़ना खासा पसंद है। प्रियंका को बच्चों से खासा लगाव है। उन्होंने ही राजीव गांधी फाउंडेशन के बेसमेंट में बच्चों के लिए लाइब्रेरी शुरू कराई, जिसका इस्तेमाल रोजाना कई बच्चे करते हैं।